वेलकम टू लॉ क्लासरूम प्रेजेंट्स जजमेंट टू योर स्टडी टेबल। कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशंस? आई होप आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसमें एक छोटी सी हेल्प करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगस्त में 2000 के सारे लेटेस्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स आपके साथ आपके स्टडी टेबल पे। ये केस लॉस आप अपने सिविल जज मेंस के एग्जाम में यूज कर सकते हैं, अपने बीएलएलबी एलएलबी के एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। और ये केस लॉस आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 इज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट जुडिशियल ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट। इस प्रेजेंट केस में पिटीशनर ने कंप्लेंट फाइल की थी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बेंगलुरु में, जिसे डिसमिस कर दिया गया। इसके अगेंस्ट एक अपील फाइल की गई थी एडिशनल सेशन जज बेंगलुरु में, जिसे भी डिसमिस कर दिया गया था। इस डिसमिसल ऑर्डर के अगेंस्ट एक रिविजन पिटीशन लगाई गई थी हाईकोर्ट में, जिसे भी डिसमिस कर दिया गया था। फाइनली पिटीशनर ने एक रिट पिटीशन फाइल करी हाईकोर्ट के ही ऑर्डर के अगेंस्ट। सो इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि रिट पिटीशन जो कि आर्टिकल 226 के अंदर फाइल की जाती है, वो किसी भी हाईकोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट मेंटेनेबल नहीं होती। डिस्क्लोजर ऑफ कोविड-19 पेशेंट आइडेंटिटी मस्ट पास ट्रिपल टेस्ट ऑफ प्राइवेसी जजमेंट। जैसे कि आप सबको पता है 2017 में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास हुआ था पुट्टस्वामी केस, जिसके जरिए से राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। उसी सेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक ट्रिपल टेस्ट, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, वो हमें प्रोवाइड किया। सो बेसिकली अगर किसी पर्सन की राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रेंच करना है, उसका उल्लंघन करना है पर लॉफुली, सो ऐसे एक्ट को ट्रिपल टेस्ट को पास करना पड़ता है। सो इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि अगर कोविड-19 पेशेंट की आइडेंटिटी आपको रिलीज करनी है, उसे पब्लिक करना है, जिसकी वजह से उसकी राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रेंच हो सकती है, सो इस एक्ट को भी ट्रिपल टेस्ट को पास करना होगा। लव नोज नो बाउंड हैज एक्सपेंडेड इट्स एरिया टू इंक्लूड सेम सेक्स रिलेशनशिप। इस केस में ओडिशा हाईकोर्ट ने सेम सेक्स लिव इन कपल को साथ में रहने की मंजूरी दे दी। इस प्रेजेंट केस में पिटीशनर एक 24 ईयर ओल्ड फीमेल थी, जिन्हें फोर्सिबली सेपरेट कर दिया गया था अपने पार्टनर से। इस प्रेजेंट केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको और हमें पता होनी चाहिए। इस केस में पिटीशनर ओरिजिनली एक फीमेल सेक्स से बिलोंग करती थी, पर उन्होंने अपना एक राइट इस्तेमाल किया, जिसे हम कहते हैं सेल्फ जेंडर डिटर्मिनेशन राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मेल सेक्स से बिलोंग करते हैं और आप ये राइट इस्तेमाल करते हैं सेल्फ जेंडर डिटर्मिनेशन राइट, तो आपको थ्रू आउट दी प्रोसीडिंग्स एज अ फीमेल सेक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, एक अपोजिट सेक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओडिशा हाईकोर्ट ने पिटीशनर की इस राइट को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें एज अ मेल ट्रीट किया और उनके लिए हिम हिज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। पुलिस कैन फाइल फाइनल रिपोर्ट ऑफ वन अक्यूज्ड एंड कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन फॉर अनदर अक्यूज्ड। जैसे कि आप सबको पता है कि एक अक्यूज की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद उसकी एक फाइनल रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है सेक्शन 173 के अंदर। सेम सेक्शन का क्लॉज 8 हमें बताता है कि जब एक फाइनल रिपोर्ट भेज दी जा चुकी है ऑलरेडी मजिस्ट्रेट को और उसके बाद कोई फर्दर एविडेंस पुलिस को मिलता है, सो उसे भी मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है। पर ऐसा केस जिसपे दो या दो से ज्यादा अक्यूज है, सो ऐसे केसेस के कंफ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेजेंट केस में क्लियर करते हुए यह हेल्ड किया कि अगर एक अक्यूज की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है तो उसकी फाइनल रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेज दी जाए, और दूसरा अक्यूज जिसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, सो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंटिन्यू कर सकती है, उसे जारी रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट अलाउड सर्विस ऑफ नोटिस समन्स डॉक्यूमेंट वाया व्हाट्सएप टेलीग्राम इन एडिशन टू ईमेल इन एवरी लीगल प्रोसीडिंग्स। सीआरपीसी सीपीसी में से बहुत सारे प्रोविजन है जो हमें प्रोसीजर बताते हैं कि अगर कोई नोटिस समन से डॉक्यूमेंट किसी पार्टी या विटनेस तक पहुंचाना है तो हम किस मैनर से पहुंचा सकते हैं। इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक नया मोड बताया ये सारी चीज विटनेस या पार्टी तक पहुंचाने के लिए। इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि कोई भी नोटिस डॉक्यूमेंट या समन्स किसी पार्टी या विटनेस तक पहुंचाना है तो आप उसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां सोसाइटी का हर सेक्टर टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है। सो ऐसे जजमेंट्स देख के हमें ये लगता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस कैनॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 406। चैप्टर 31 ऑफ सीआरपीसी में एक सेक्शन है सेक्शन 406, जो हमें सुप्रीम कोर्ट की पावर बताती है।
ये पावर यूज करके सुप्रीम कोर्ट एक केस या अपील को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। पर इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि अगर केस एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड है, इसका मतलब ये नारकोटिक्स और ड्रग्स के ऑफेंस से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट केस की इन्वेस्टिगेशन को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर करने की पावर नहीं रखता। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन सेम एलिगेशन कैन नॉट कंटिन्यू इफ एग्जोनरेशन इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स ऑन मैरिट इज डन। जैसे कि आप सबको पता है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, डबल जियोपार्डी। इसका मतलब यह है कि अगर एक पर्सन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन अभियोजन चलाया जा चुका है और उसे पनिशमेंट दंड दे दिया जा चुका है, सो दोबारा से सेम एलिगेशन के ऊपर उसके ऊपर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। सेम प्रिंसिपल हमें सेक्शन 300 सीआरपीसी में दिखता है, जो कि हमें बताता है कि अगर किसी एक पर्सन को कन्विक्शन या एक्विटल दे दी जा चुकी है तो सेम एलिगेशन सेम ऑफेंस के ऊपर दोबारा से उसके ऊपर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेजेंट केस में यह हेल्ड किया कि अगर एक पर्सन के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में उसको रिलीज कर दिया गया पर ऑन मैरिट्स, तो दोबारा से सेम एलिगेशन के ऊपर उस पर्सन के ऊपर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। इफ प्लान डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन और सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ, देन कोर्ट हैज नो ऑप्शन बट टू रिजेक्ट द प्लान। सो जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लान, तो एक ऑर्डर एक रूल हमारे दिमाग में क्लिक करता है, ऑर्डर 7 रूल 11, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में 7-11 भी कहते हैं, जिसके अंदर 6 ग्राउंड्स दिए हैं जिनकी वजह से प्लान वाद पत्र रिजेक्ट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। इन्हीं ग्राउंड्स को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट इस प्रेजेंट केस में यह हेल्ड करता है कि अगर प्लान वाद पत्र कोई भी प्रकार का कॉज ऑफ एक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्रवाई का कारण, नहीं बताता है या वाद सूट किसी विधि या लॉ के द्वारा बार्ड है, सो ऐसे केसेस में कोर्ट के पास वाद पत्र को प्लान को रिजेक्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। हाईकोर्ट कैन नॉट अलाउ सेकेंड अपील विदाउट फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर कोई भी जजमेंट या डिक्री एक अपील में पास हुई है, सो ऐसी अपील के अगेंस्ट भी एक सेकेंड अपील लगाई जा सकती है सेक्शन 100 सीपीसी के अंदर। सुप्रीम कोर्ट इस प्रेजेंट केस में यह हेल्ड करता है कि अगर केस में कोई भी प्रकार का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सारवान विधि का प्रश्न, नहीं बनाया जा सकता या केस इस नेचर का है जिसमें कोई भी प्रकार का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, सो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट सेकेंड अपील अलाउ नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो काफी लोग का फेवरेट है, इंडियन एविडेंस एक्ट। सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B क्लॉज 4 इज कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सो अगर कोई भी पर्सन को एक लीगल प्रोसीडिंग्स में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना है, सो उसे सेक्शन 65B क्लॉज 4 की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। सेक्शन 65B क्लॉज 4 हमें एक सर्टिफिकेट की बात बताता है, सो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको एक लीगल प्रोसीडिंग्स में वीडियोग्राफ एज अ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना है, सो आपको एक सर्टिफिकेट प्रिपेयर करना पड़ता है जो कि सबसे पहले आइडेंटिटीफाई करता हो आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, सेकेंड ये बताता हो कि ऐसा वीडियोग्राफ या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कौन से मैनर में रिकॉर्ड किया गया था, थर्ड हमें यह बताता हो कि जिस डिवाइस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड किया गया था उसकी विशेषताएं पर्टिकुलर्स बताता हो, और लास्टली ऐसा सर्टिफिकेट साइंड होना चाहिए ऐसे पर्सन के द्वारा जो उस डिवाइस को लीगली अपने कंट्रोल में रखता हो या अपनी अथॉरिटी में रखता हो। बीइंग मेंबर ऑफ सोशल मीडिया ग्रुप वेयर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स आर पोस्टेड मेक्स वन एकम्प्लिस ऑफ द ऑफेंस। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, पर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन ऐसे ग्रुप्स में ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स पोस्ट करता है, डालता है उसमें, सो ये एक ऑफेंस है आईटी एक्ट के अंदर और बहुत सारे अदर लॉज में। सुप्रीम कोर्ट इस प्रेजेंट केस में ये हेल्ड करता है कि अगर कोई एक पर्सन ग्रुप में ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स डाल रहा है, सो बाकी ग्रुप मेंबर्स भी उस ऑफेंस के एकम्प्लाइज बन जाएंगे। एकम्प्लाइज एक ऐसा पर्सन होता है जिसे गिल्टी एसोसिएट माना जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स ग्रुप में डाल रहा है तो वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है, पर बाकी ग्रुप मेंबर्स को ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने भी उस पर्सन के साथ मिलके ये ऑफेंस कमिट किया।
एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एक हमारे लिए गाइडलाइन है कि अगर आप इस प्रकार के कोई भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सो जल्द से जल्द ऐसे ग्रुप्स को लीव कर दें, इसे छोड़ दें। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, इंडियन पीनल कोड। डिफेंस ऑफ इनसैनिटी जुवेनाइलिटी ऑट टू बी रेज्ड ड्यूरिंग ट्रायल। जैसे कि आप सबको पता होगा चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी हमें बहुत सारे जनरल डिफेंसेस बताता है। इसका मतलब ये कि अगर अक्यूज सेक्शन 76 से लेकर 106 तक के डिफेंसेस यूज करके अपने सजा को कम करवा सकता है या एक्विटल ले सकता है। इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि अगर अक्यूज को इनसैनिटी का डिफेंस लेना है, इसका मतलब ये कि अक्यूज ये डिफेंस लेना चाहता है कि जब उसने ऑफेंस कमिट किया तो वो पागल था या मेंटल कैपेसिटी नहीं रखता था अपने एक्ट को समझने की, या अक्यूज जुवेनाइलिटी का डिफेंस लेना चाहता है। इसका मतलब ये कि अक्यूज ये कहना चाहता है कि जब उसने ऑफेंस कमिट किया था तो वो 7 साल से कम या 12 साल से कम की उम्र का था। तो ऐसे डिफेंसेस अक्यूज ड्यूरिंग द ट्रायल यूज कर सकता है, ट्रायल कंक्लूड होने के बाद, ट्रायल खत्म होने के बाद ऐसे डिफेंसेस यूज नहीं कर सकता। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट एज टू प्रॉमिस टू मैरी हैज टू बी इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम टू द ऑकरेंस। इस प्रेजेंट केस में एक एलिगेशन लगाया गया अक्यूज के अगेंस्ट कि उसने बहुत सारे मैरिज के प्रोमिसेस किए और प्रोसिक्यूटर्स के साथ रेप कमिट किया। इसी प्रेजेंट केस में प्रोसिक्यूटर्स ने प्ली ली कि जितनी बार भी वो फिजिकल एक्टिविटी में अक्यूज के साथ इंडल्ज हुई वो अपनी कंसेंट के साथ हुई, पर ऐसी कंसेंट एक इनवैलिड कंसेंट है सेक्शन 90 आईपीसी के अंदर। सेक्शन 90 आईपीसी हमें बताता है कि अगर कोई भी कंसेंट मिसकंसेप्शन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं गलत फैमिली के द्वारा प्राप्त की गई है, तो ऐसी कंसेंट एक इनवैलिड कंसेंट होती है। इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के द्वारा यह प्राप्त किया कि प्रोसिक्यूटरिक्स और अक्यूज 4 साल से रिलेशन में थे। सुप्रीम कोर्ट इस केस में यह कहता है कि मिसकंसेप्शन ये गलत फैमिली 4 साल के लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जितनी बार भी प्रोसिक्यूटरिक्स अक्यूज के साथ फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हुई वो अपनी कंसेंट के साथ, अपनी चॉइस के साथ इंडल्ज हुई, और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज को एक्विटल दे दिया, दोष मुक्ति दे दी। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, लिमिटेशन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड एक्सटेंडिंग लिमिटेशन पीरियड डज नॉट एनलार्ज द पीरियड अप टू विच डिले कैन बी कंडोन्ड इन एक्सरसाइज ऑफ स्टेट्यूटरी डिस्क्रिशन। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें डिस्क्रिशनरी पावर बताती है कोर्ट की, ये पावर यूज करके कोर्ट लिमिटेशन पीरियड को बढ़ा सकता है। पर इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि भले ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, पर ऐसी पावर यूज करके कोर्ट लिमिटेशन पीरियड को इस हद तक, इस एक्सटेंट तक नहीं बढ़ा सकता कि प्रोसीडिंग्स में बहुत ज्यादा डिले पहुंच जाए, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एक्शन अंडर सेक्शन 31 इज आर्बिट्रेबल एज इट इज एक्शन इन पर्सोनम एंड नॉट एक्शन इन रेम। सेक्शन 31 हमें बताता है कि अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट एक इंस्ट्रूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल है और उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन उसको ये अंदर से लग रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसको सीरियस इंजरी पहुंचा सकता है, सो वो सेक्शन 31 की पावर यूज करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करा सकता है, निरस्त करा सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये हेल्ड करता है कि ऐसे डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी सुलझाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। इसका रीजन सुप्रीम कोर्ट हमें ये देता है कि ऐसे एक्शन, ऐसे केसेस एक्शन इन पर्सोनम होते हैं, एक्शन इन रैम नहीं होते हैं। एक्शन इन पर्सोनम का मतलब ये होता है कि जिसमें इंडिविजुअल पर्सन की राइट इन्वॉल्व हो, और एक्शन इन रैम जिसमें पब्लिक की राइट इन्वॉल्व होती है। सो ऐसे केसेस एक्शन इन पर्सोनम होते हैं, इसलिए इनको आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी सॉल्व किया जा सकता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी आपको हेल्प करने की, और मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूब चैनल आपको सब्जेक्ट वाइज हर मंथ, हर वीक आप तक जजमेंट्स पहुंचाता हो। सो फिर भी अगर आपको कोई भी प्रकार की कमियां लगती है हमारे इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे लॉ क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।